तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग। डंबल के साथ में हमें एक्सरसाइज करनी है। डंबल्स नहीं है तो आप बॉटल के साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोग वेट ट्रेनिंग करना तो चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें। तो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ये आपके हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, इनको करके आप अपनी पूरी बॉडी से फैट लॉस कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारा फैट लॉस ही नहीं होता है बल्कि हमारी पूरी बॉडी एक शेप में आ जाती है और हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए आज का वर्कआउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारे ब्रेस्ट और आर्म्स के लिए है। पैरों के बीच में इस तरह से गैप देंगे, वेट को इस तरीके से बिल्कुल सीधा आपको रखना है। दोनों आर्म्स एकदम सीधी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ऊपर लेके जाएंगे वेट्स को एंड अगेन वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। तो ये हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 times। तो स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बैक। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज डंबल स्विंग। डंबल स्विंग करने के लिए एक डंबल को लेंगे इस तरीके से, पैरों के बीच में गैप देंगे, जितना इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कमर के फैट को रिड्यूस करती है और आपके बेली फैट को भी कम करती है। तो करने के लिए इस तरीके से डंबल को एक पैर के इस तरह से साइड में लेके जाएंगे, बिना घुटना मोड़े नीचे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं और इस तरह डंबल को स्विंग कराते हुए साइड में ऊपर अगेन एंड बैक। इस तरीके से 10 times हमें एक साइड से करना है और उसके बाद 10 times दूसरी साइड से करना है। सो टेक पोजिशन एंड स्टार्ट 1, 2, 3, 4 घुटने नहीं मुड़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारे बेली फैट को भी कम करेगी, हिप्स को टोन अप करेगी और थाई के फैट को भी रिड्यूस करेगी। तो देखिए इसको हमें किस तरीके से करना है। इस तरीके से वेट को लेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे जितना आप इजीली उठा सकते हैं, कमर को बैंड नहीं करना है। डंबल को नीचे लेके आएंगे लाइक दिस एंड बैक दोनों साइड से। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है फॉर नेक्स्ट 10 times। तो टेक पोजीशन एंड स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Now we'll do our next exercise. Next exercise करने के लिए इस तरीके से वज्रासन वाली मुद्रा जिसे होती है उस तरीके से बैठ जाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे इस तरीके से। पहले सामने से देखिए इस तरीके से बैठना है आपको, वेट को उठाएंगे ऊपर लेके जाएंगे सर के पीछे इस तरह से, पूरा पीछे इस तरह से स्ट्रेच एंड बैक। ये एक्सरसाइज आपके इनर आर्म्स के फैट को रिड्यूस करती है, ब्रेस्ट को टोन अप करती है। जिन लोगों को अनइवन ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ले लेंगे, वेट को ऊपर लेके जाएंगे एंड स्टार्ट 1
टू, गर्दन सामने, कमर सीधी, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड बैक। नाउ विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से खड़े हो जाएंगे, वेट को लेंगे साइड में, इस तरह से वेट को ऊपर उठाएंगे, नी टच बैक, इस तरीके से ये हमें करना है 10 टाइम एक साइड से, 10 टाइम दूसरा साइड से। ये भी हमारे बैक फैट को रिड्यूस करती है और हमारे बॉडी के पॉस्चर को इम्प्रूव करती है। सो टेक पोजीशन एंड स्टार्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अनदर साइड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। नाउ आई विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से डंबल्स को ले लेंगे, कमर को आगे की तरफ बैंड करेंगे, इस तरीके से डंबल्स को सामने पूरा, इस तरीके से पीछे पुल, बैक, अगेन पुल एंड बैक, इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। घुटनों को आप स्लाइटली बैंड कर सकते हैं इस तरीके से, और ये हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। सो टेक पोजीशन, कमर सीधी, गर्दन सामने की तरफ एंड स्टार्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, बैक। नाउ आई विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच में इस तरह से गैप देंगे, कमर से सामने की तरफ झुकेंगे, दोनों डंबल्स को इस तरीके से सेंटर में रखेंगे, साइड में जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन एंड बैक लाइक दिस। ये आपको करना है फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। ये आपके शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके आर्म को स्ट्रेंथनिंग देता है और आपके बॉडी के पॉस्चर को भी इंप्रूव करता है। सो टेक पोजिशन एंड स्टार्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, बैक। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डंबल एक्सरसाइजेस जो आपके पूरी बॉडी के फैट को रिड्यूस करके आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप में लेके आती हैं। आपको ये वर्कआउट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।